मुझे बहुत ही कमेंट आया है कि कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहिए, कौन सा बैंक का अकाउंट जो है सर्विस बेस्ट अच्छा है, क्योंकि सेंट्रल बैंक का सर्विस काफ़ी ख़राब है। ये बहुत ही कमेंट में आ चुका है, मैं बहुत ही कमेंट मैंने पढ़ा हूँ तो वहाँ देखा जाता है कि सेंट्रल बैंक का जो है काफ़ी बैड सर्विस है एटीएम कार्ड के मुकाबले। एटीएम कार्ड के मुकाबले एसबीआई की टक्कर कोई भी नहीं ले सकता। एसबीआई जो है काफ़ी, सॉरी ये तो सेंट्रल का ही है, ये देखिए ये है एसबीआई का। एसबीआई के मुकाबले आपको कोई भी टक्कर नहीं दे सकता एटीएम कार्ड के मुकाबले। जिस दिन आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन कीजिए या ब्रांच विजिट कीजिए या कहीं से भी अकाउंट सर्विस सेंटर से कीजिए, तो आपका जो है 2 से 3 दिन में एटीएम कार्ड जो है प्रिंट जो कार्ड होती है, मतलब इस तरह का जो कार्ड होता है, ये देखिए ये है इस तरह का जो प्लास्टिक कार्ड होता है, वो प्रिंट होकर 2 से 3 दिन में आपके इंडियन पोस्ट के माध्यम से आपको सेंड कर दिया जाता है। एक लाइक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो देखना चाहते हैं, के मुकाबले में काफ़ी पीछे हैं एसबीआई के मुकाबले। एसबीआई जो है काफ़ी तेज़ी से अपने काम को निभाती है, मतलब एसबीआई इंडिया का सबसे बड़ा बैंक बोल सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी सर्विस देती है। वहीं अगर यूपीआई ट्रांजेक्शन की बात करें, यूपीआई में कभी कभी जो है ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, क्योंकि एसबीआई का जो सर्वर प्रॉब्लम काफ़ी देता है, क्योंकि एक बड़े ब्रांचेस है, हो सकता है कि उनका जो है काफ़ी बड़ा इंडिया में ये है, तो वो सर्विस प्रॉब्लम हो सकता है। वहीं आपको सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करती है अलग अलग डेबिट कार्ड भी, एसबीआई हो या सेंट्रल, आपको काफ़ी अच्छी अच्छी डेबिट कार्ड प्रोवाइड करती है। जैसे कि ये एक डेबिट कार्ड है, मास्टर डेबिट कार्ड इसे कहते हैं, ये है आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, जिसमें आप जो है मंथली 5,000, सॉरी पर डे आपको 5,000 कैश विड्रो इस कार्ड से मिलते हैं। इस कार्ड में चिप नहीं रहता, इसकी काफ़ी अच्छी खूबी है, तभी भी इससे आपके एटीएम में कैश विड्रो शॉपिंग 2 लाख की तक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी कार्ड है ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, तो मैं बेस्ट ऑप्शन अगर आपको बता दूं तो सबसे अच्छी अकाउंट आपको ऑप्शन है कि आप जो है एसबीआई में अकाउंट ओपन कर सकती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं सेंट्रल स्टेट जो है सेंट्रल का ही मास्टर कार्ड है, और यहाँ जो है जियो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक का भी जो है, ये देख लीजिए पेटीएम पेमेंट बैंक का भी मैंने अकाउंट ओपन करवा दिया, यहाँ एड्रेस है इसीलिए मैं नहीं दिखा सकता। तो चलिए पेटीएम भी काफ़ी अच्छी ऑप्शन है, इसका भी जो है ये देखिए डेबिट कार्ड, इस डेबिट कार्ड से आप 20,000 कैश विड्रो एक दिन में और 2 लाख की शॉपिंग कर सकते हैं। और इसमें जो है 150 रुपये चार्ज है, इसका जो इशू करने का चार्ज है 250 रुपये, और ये सिर्फ इंडिया में ही यूज़ होगा। यहाँ देख सकते हैं फॉर यूज़ इन इंडिया ओनली, यानी कि इंडियन, और ये रुपी डेबिट कार्ड है। अभी वीज़ा देना काफ़ी शुरू किया है, पेटीएम भी काफ़ी अच्छी तगड़ी बैंक है ये भी, लेकिन ये जो है एक मतलब ऑनलाइन बैंकिंग अलग अलग डिमांड होती है इसका। अगर आप ऑफलाइन बैंकिंग में यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है एसबीआई। एसबीआई में आप अकाउंट ओपन करवा लीजिए, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कि आपको एसबीआई का जो है डेबिट कार्ड मिल जाएगा। कभी कभी एसबीआई का डेबिट कार्ड भी बहुत कोई को नहीं मिलता है, लेकिन आप जो ट्रैकिंग नंबर, उस ट्रैकिंग नंबर को इंडियन पोस्ट के ऑफिस में विजिट कीजिए, नज़दीकी पोस्ट ऑफिस, आपको जो वो डेबिट कार्ड भी 1 से 2 दिन में मिल जाएगा। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। आप भी ओपन करवा सकते हैं एसबीआई का अकाउंट, वो भी योनो एसबीआई से ऑनलाइन घर बैठे ही, डेबिट कार्ड और आधार कार्ड ओटीपी की वेस से केवाईसी करके, फुल केवाईसी करके मंगा सकते हैं। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमा।